गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो सुबह का टाइम है और अभी ना किस टाइम देखना क्या बज रहे हैं, टाइम क्या हो रहा है देखो। अगर यार मेरा फ़ोन खुल जाता है, 4:56 हो रहे हैं, लाइक 5 बज रहे हैं। मैं उठ चुकी हूँ 4:30 बजे की, और उठने के बाद ना लाइक यूवी वॉश पिकनिक में जाना है, तो उसे ड्रॉप करके आना है। तो उसके लिए मैंने मैक्रोनी बनाई, वाइट सॉस पास्ता, एंड देन अब जा रहे हैं उसको ड्रॉप करने के लिए। उसको दिखाते हैं, वो रेडी हो चुका है स्वेटर वगैरह पहन के। जो तुम वापस आ गए घूम करके, तो यार यूवी ये रेडी हो चुका है। ये दिल्ली जा रहा है म्यूजियम, दिल्ली जा रहा है ट्रिप पे, और ये रात तक आएगा। अकेला जा रहा है पहली बार। जग्गू तुम जाओगे? अरे तुम भी जाओगे? तुम चले जाओ, तुम भी चले जाओ नुगुन उनके साथ। मैं अभी नहीं, अभी तुम छोटी हो। प्लीज कह रहे प्लीज बाबू, तुम छोटे हो अभी, अभी तुमको पता ही नहीं है ना। जो बाहर का ना आज पता नहीं क्या अंधेरा हो रहा है, चारों तरफ देखना लाइट्स नहीं जल रही है पूरी हमारी गली की। सुबह देखना गली में पूरे में अंधेरा अंधेरा ही है बिल्कुल ही ज्यादा। ओहो, तो गाइज अभी हम लोग शक्ति पे हैं, लाइक शक्ति पे ना अभी भी ट्रैफिक कितना हो रहा है, सुबह 5 बज रहे हैं, बताओ यार। ठीक है, बाय 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 बाय। सो गाइज मैं रेडी हो चुकी हूँ, और यूवी भी स्कूल यूवी को भी छोड़ के आ गए थे। उसके बाद मैं आप के रेडी वेडी हो गई, अपने लिए कुछ बना लिया खाने को, क्योंकि अब मैं दादी को जा रही हूँ छोड़ने के लिए। तो चलते, मैं अपना बैग ले लिया छोटा सा, लाइक एक भी नहीं रहूँगा छोड़ो। तो दादी को जल्दी बुलाते हैं, फिर चलते हैं मुजफ्फरनगर में। यार मुझे मुजफ्फरनगर से रिश्ता सा हो गया ना मेरा, मैं क्या बताऊँ। इंसान जाग ले, ये अपनी स्कूटी है, वो वाली स्कूटी हमारी नहीं है। तुम अंदर चलो वरना तो मैं बहुत मारूंगी मैं आज। चलो गाइस चलते हैं, ये अभी शक्ति से छोड़ जा रही है, वहां से रिक्शा करते हैं। सो गाइस हम लोग बस में बैठ चुके हैं, बस पूरी खाली चढ़ी हुई है, 5-10 मिनट चल रही है, और अभी जब टाइम 7:30 हो चुके हैं। ठीक है, जल्दी देख, हमें यहाँ से 10:30 तक पहुँचना है। सो गाइस फाइनली हम लोग मुजफ्फरनगर उतर चुके हैं, तो दादी और मैं अब दादी को छोड़ देंगे, फिर हम ट्रेन में बिठा के फिर मुझे वापस जाना पड़ेगा अकेले अकेले। फाइनली वी रीच हियर, हम यहाँ पहुँच चुके हैं आराम से। अब लाइक और ब्रेकफास्ट टाइम हम लोग खा रहे हैं गुजिया लड्डू, और ये सगल पाए हैं, और ये मिठाई मठरी है, सब कुछ हम लोग लेकर आए थे खाने के लिए, और दादी भी खा रही है। और फाइनली 5-10 मिनट में आने वाली है, और मैं यहाँ से 11 बजे निकल जाऊँगी। मुझे लगभग 1 बज जाएगा यहाँ तक पहुँचने में, क्योंकि 11 बजे निकले हैं, तो अभी देखते हैं बस मिलती है नहीं मिलती है। स्पीड में गाड़ी भाई, डब्बा तो आगे निकल गया अपना, वो है ना पुलिस वाला पागल, पता नहीं कौन सा आ गया, सारे डब्बे निकल गए, सबसे आगे है, बताओ आगे 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 देखना B1। नहीं खासा हो गया बहुत बुरी तरीके से, मेरे को ना हाथ में लग गई। एक्चुअली ट्रेन का डब्बा काफ़ी ज़्यादा आगे पहुंच गया था, और मेरे को क्या बताऊं, मेरे लाइक ट्रेन चल पड़ी और मैं चलती ट्रेन में से कूद गई। ये मैंने किया है क्योंकि टाइम नहीं था, और लाइक मैं सोच रही थी, मैंने कहा यार कोई बात नहीं, मैं बैलेंस नहीं बना पाई और मैं बहुत गिर गई, मेरे हाथ में काफ़ी लग गई, मतलब मुड़ गया काफ़ी ज़्यादा। लेकिन मैं उस पुलिस वाले को नहीं छोड़ूंगी जिसने मेरे को ना, ये मेरी नस फूल चुकी है यहाँ साइड से। बेवकूफ़ ना, इतना बेवकूफ़ पुलिस वाला ना, सच में आज तक नहीं देखा, मैं इतनी डिसरेस्पेक्ट राइड हूँ, मुझे क्या ही बताऊँ, मुझे इतना गुस्सा आ रहा है उस वाले पे, और मैं जाकर ना सुनाने वाली हूँ डेफिनेटली, मुझे बहुत बुरे उधर गुस्सा आ रहा है। नहीं कूदना था बट पता नहीं क्या करा मैंने यार। गाइज आप लोग ऐसा मत करना, मेरे ना हाथ की थोड़ी सी नस फूल गई है, लाइक हल्का सा हट मुड़ गया था, तो थोड़ा पेन हो रहा है, मैं जागने वाली हूँ। वेट, वो सामने बैठा हुआ है, मैं उसको सुनाती हूँ। एक्सक्यूज मी
एक्सक्यूज मी, आप ही थे ना मेरे को अभी बताने वाले कि आज शायद ट्रेन आ गया है? आप ही थे ना भी ट्रेन बताने वाले कि ट्रेन आ गया, शायद डब्बा आएगा। क्या हुआ? आपको नहीं बताना चाहिए अगर आपको खुली कंफर्मेशन नहीं हो। क्या बताया मैंने? नहीं आपने तो बताया कि पीछे चले जाओ। हाँ। आपने तो बताया पीछे ले जाओ, डब्बा हमारा आगे था। कौन सा कोच बताया था तुमने? आपने बोला एसी के पीछे है, ठीक है, और बल्कि वो S1 S2 बता, कौन सा बताया? मैंने SE1 बताया आपको। मैंने बताया था पीछे आ सकता है, मैंने ये निकाल कंफर्म नहीं बताया। तो आपको नहीं बोलना चाहिए अगर आपको खुद को कंफर्मेशन ना हो। तो खुली है गाड़ी, अंदर जा चढ़ के चले जाएंगे। वो तो दिक्कत नहीं है, अब मैं तो छोड़ने आई थी ना उनको दादी को ड्रॉप करने, अगर बाय मिस्टेक लिए उनको लग जाती कहीं से कहीं तक, ठीक है। अब मेरे को ड्रॉप, मुझे उतरना था, डब्बा यहाँ पहुँचा था यहाँ पे, और ये बोले आप, मैं वहाँ लास्ट में पहुँच गई हूँ। अच्छा तो बताइए, मेरे लगभग हाथ में लग गई है, लेकिन मेरा हम हुआ ना। मैं तो जिसको सही बताया सही आई सबकी, आप ही आए, एक अलग बोला गलत है मेरा। भैया मुझे शौक तो नहीं था, आपने मुझे, मैं तो जैसे यहीं बैठी हुई थी, आपने खुद देखा था। मैं तो बुजुर्ग था इसलिए बोल के बोल दिया मैंने। देखिए मैं आती हूँ और मैं ही ड्रॉप करती हूँ, ठीक है। मैंने कहा हो सकता है कि भैया आप गलत हो, हमने आपसे, जितने सिटीजन है तो हमने आपको सुना, मैं ऐसे बात नहीं है, मैं आपको नेट कहाँ बता सकती हूँ। मेरे को इतना हर्ट हो रहा है, इतना हर्ट हो रहा है, मैंने सुना दी लिटरली, मुझे बहुत गुस्सा आया, नहीं होना था यार, लिटरली क्राइंग यार। मैंने बहुत स्ट्रेस ले लिया, उन्होंने बहुत उनको फ़ोन किया कि मैं ठीक हूँ। सो गाइस मैं सॉरी, मैं आपको घर जाके बात करती हूँ। मैं थोड़े से नॉर्मल हो गई हूँ, बट मेरे को ना हाथ, लाइक मुझे नहीं पता इसमें क्या हुआ है, पर काफ़ी ज़्यादा पेन कर रहा है, और मुझे ना बहुत, मैंने सुनाया उसको, मुझे बहुत गुस्सा आया पुलिस वाले, सच बता रही हूँ। ये बिजनौर की बस है, पकड़ लेता है इसको। सीधा कर देंगे तेल लगा के, होगा तुम अंदर को लगता है। मुझे क्या हुआ? ना कुछ नहीं हुआ। मेरी बच्ची मैं तुमको पा करनी है। मुझसे क्या मतलब, इनसे मिल, मैं तो दे रही थी। हां लग गई, बच बच बच। यस माय बेबी, हाय स्वान। ओ तुम तो चीजी खा रहे हो। फाइनली मैं अपने घर पहुंच चुकी हूँ। मेरे हाथ ना देखना ऐसा है, बिल्कुल ऐसे कर रखा है मैंने, बिल्कुल, क्योंकि ये ना सीधा नहीं हो रहा है, ना मूव हो रहा है यार ये। बता देती हूँ कि मैं अपने हाथ को कितना मूव कर पा रही हूँ। मैं लाइक अभी मैं दोपहर में जब मैं घर पे आ गई थी, तो मैं, मेरे अंकल ना मुझे इसकी मालिश कर गए थे थोड़ी, तो लाइक आप ये मान लो इतना मैं इसको टर्न नहीं कर पा रही हूँ ऐसे। अगर मुझे करना है तो मुझे पूरा करना पड़ेगा इस तरीके से, मगर सब कढ़ाई को टर्न करूँ ना तो पेन कर रहा है, और लाइक मेरा हाथ इतना इतना ही हो रहा है, सीधा नहीं हो रहा है ये बिल्कुल भी, कि मैं इसको स्ट्रेट इस तरीके से स्ट्रेट कर दूँ, स्ट्रेट नहीं हो पा रहा है और बहुत पेन कर रहा है। मैं लाइक सो भी नहीं पा रही हूँ इसी के चक्कर में, अगर गलती से कुछ छू दिया तो मुझे बहुत दर्द हो रहा है, ये मेरी इस हैंड की हालत हो रही है, ठीक है। सो गाइस मैं आपको बताना चाहूँगी कि मेरे साथ एक्चुअली हुआ क्या था। मैं नॉर्मल, जैसे मैंने बताया, मैं दादी को छोड़ने जाना था, मुझे एक वहाँ मुजफ्फरनगर में, मैं वहाँ पे पहुँची थी। बस मेरे को पता था कि यहाँ पे जो लाइक सेकंड प्लेटफॉर्म में ट्रेन आनी है, ठीक है, तो हम लोग को पता था कि आगे आनी है, तो हम लोग ना उसके हिसाब से बैठे थे। तो उसके बाद क्या हुआ कि लाइक ट्रेन का टाइम हो गया आने का, तो एक पुलिस वाला आया मेरे पास और कहता है कि मैम आपका ट्रेन नंबर या फिर जो भी आपका आपका कोच कौन सा है, ठीक है। तो मैंने उसको बता दिया, मैंने कहा ये कोच है, तो बोलता है मैम आपको पीछे जाना पड़ेगा, लाइक उधर उस साइड में आपको उस साइड जाना पड़ेगा, ठीक है, कि आपका ए सी के डब्बे के पीछे आएगा। मेरे को पता था कि एक दो तीन डब्बे आगे हैं, पर मुझे ये नहीं याद था कि वो ए सी के थे, मुझे लगा शायद ए सी के होंगे। तो वो कह रहे हैं कि वो ट्रेन वहाँ तक आएगी, इस तरीके से आएगी जो भी है वगैरह, तो मैंने अपनी ना सुन के उनकी सुनी, क्योंकि मैंने सोचा मैं सीनियर सिटीजन, मुझसे ज़्यादा पता होगा, यहाँ पर रहते भी हैं,
तो मैंने अपने मैंने बहुत बड़ी गलती करी थी इसको, बल्कि ऑलरेडी मैं बहुत जगह बहुत सही जगह पे थी, ठीक है। उनकी सुन के मैं और दादी मैं अपनी दादी को लेके चली गई, ठीक है, क्योंकि मैंने चाहती थी कि उनको लेट हो जाए फिर उनको वो परेशान हो, ठीक है। लेकिन मैंने जहाँ मैं लेके जाकर रुकी, ठीक है, उसके बाद वो ट्रेन आई बहुत स्पीड में। मैंने सोचा हो सकता है कि ये अचानक से ब्रेक मारे या कुछ जो भी हो, काफ़ी उसने स्पीड के ब्रेक नहीं मारे, वो काफ़ी दूर तक लाइक चली गई, मतलब जहाँ पे हम पहले बैठे थे उससे भी थोड़ा सा आगे उससे, बस ज़्यादा नहीं था वहाँ पे इतना, हम लोग वहाँ पे होते तो पहुँच जाते, ठीक है। अब मैं दादी के साथ थी, मैं भागूँ तो भागूँ कैसे, मेरा दिमाग ख़राब, मैंने यार मैं क्या करूं। अब फिर मैंने कहा दादी को, मैंने बैग जो दादी का, मैंने कहा एक जो उसकी बैग का हैंडल था ना, उसका मैंने पकड़ा, एक दादी ने पकड़ा, दादी की दूसरे हाथ में बॉटल थी, ठीक है, क्योंकि वो लीक कर रही थी, इस चक्कर में उन्होंने हाथ में पकड़ी हुई थी, और दूसरे हाथ में मेरे पास शायद फ़ोन था, मैंने फ़ोन भी अंदर रख दिया था, हाँ, ठीक है। तो हम लोग चलते भाई, मुझे लगा मैंने कहा यार अब चलना दे, लिटरली वो हल्की सी चली, लाइक यूँ हुई थी वो, मैं चढ़ गई, मैंने कहा चलो यार कोई बात नहीं, दादी को सीट पर बिठा देती हूँ, ठीक है, मैं उनको लेके चढ़ गई, ठीक है। मैंने कहा बस, और वो जो सीट नंबर था ना, लाइक दादी का तो 12 था, लेकिन जिस नंबर जो लास्ट नंबर पड़ा था उस डब्बे में 91, आई वाज शॉक्ड। मैंने कहा यार अब मैं थोड़ा सा, मैं हल्का सा स्पीड से चलते, मैंने आप भी डब्बे तक पहुँचा देती हूँ, फिर उतर जाऊँगी, किसी को कह दूँगी मैं भी इधर तक पहुँच गई। फिर उसके बाद देखा स्पीड तेज, लाइक तो हल्की सी स्पीड, मुझे लगा मैं उतर सकती हूँ, तो मैंने ट्राई किया, मैंने जस्ट जंप मार दी, कुछ नहीं सोचा वहाँ के, मतलब लोगों ने थोड़ा मुझे कहा भी कि नहीं मैम तेज़ हो जाए ये वो वगैरह, मैंने कुछ नहीं सोचा, मुझे लगा यार मैं अगर रुक गई तो मेरे को मेरठ जाना पड़ेगा, मेरे को मेरठ से उधर, मैं कुछ नहीं, उस टाइम मेरा दिमाग में ना सही बताऊँ जो होना होता है वो होता ही है, तो वही मेरे साथ हुआ कि मुझे उस टाइम कुछ भी नहीं सोचा कि उतरना चाहिए नहीं उतरना चाहिए वगैरह वगैरह। मैंने उनको लोगों को इन्फॉर्म किया कि दादी को ऐसी जगह बाहर नंबर बिठा देना प्लीज़ रिक्वेस्ट करके, और मैं कूद गई, और जब मैं कूदी ना मुझे कुछ नहीं, मुझे होश ना ऐसा था कि लाइक हुआ क्या, और आप यकीन नहीं मानोगे मैं सर के भर गिरी थी, लाइक पूरी मैं फॉल ले रही है, पूरी लेट गई थी मैं उस जगह पर, और जो मेरा बैग था ना बैक साइड वो तो अच्छा था कि वो मेरे सर की तरफ लगा, तो मेरे को कहीं भी हार्म नहीं हुआ, लेकिन मेरा हाथ ना उस टाइम मूव कर रहा था लाइक हल्का बहुत, तो उस टाइम मूव कर रहा था जैसे मैंने आपको दिखाया, ठीक है, कि हल्का बहुत इस तरीके से मूवमेंट कर पा रही थी, लाइक या लग रही है दर्द हो रहा है वगैरह वगैरह, इस तरीके मूव कर पा रही थी। लेकिन उसके बाद बस मुझे बहुत गुस्सा आया उस पुलिस वाले पे, क्योंकि उसकी गलती की वजह से मैंने आज फर्स्ट टाइम किसी की वजह से अपनी गलती, वरना मैं कभी भी इस चीज़ में मिस्टेक नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं देखो सेकंड टाइम छोड़ने गई थी अपनी लाइफ में, सेकंड टाइम मैंने लाइक अकेले ट्रैवल किया है वापस आते हुए, तो मुझे बहुत 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 ज़्यादा दिमाग खराब हो गया, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। तो फिर मैंने उसको पुलिस वाले को जाकर सुनाया, मैंने कहा यार आपको नहीं पता तो आप क्यों बताते हो। सो गाइज मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।